हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज एकदम मस्त वाली जगह लेके चलते हैं आपको इंदौर की। ये है प्योर वेज रेस्टोरेंट। आज हम लोग आए हैं यहाँ वेज थाली खाने के लिए बहुत दिनों के बाद। ये फर्स्ट टाइम है, वेज थाली तो बहुत बार खाए लेकिन पंचवटी गौरव जो है अपना मल्हार मॉल में, वहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हम लोग क्या क्या खाते हैं आज। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल के अंदर। ये है मल्हार मॉल जहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये सेकंड फ्लोर पे है और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, शुद्ध शाकाहारी थाली रेस्टोरेंट है और इसका जो रेट है वो 350 रुपये है और इसमें हर दिन आपका जो मेन्यू है वो चेंज होता है। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है। अंदर दिखाते हैं आपको यहाँ का एम्बियंस। तो दोस्तों अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, सामने में काउंटर है, उसके बाद ये पूरा जो एरिया है ये बैठने के लिए है। फुल फैमिली रेस्टोरेंट है, आराम से आप पूरे फैमिली के साथ आके कोई भी सेलिब्रेशन कर सकते हो। रेट्स बहुत रीजनेबल हैं, सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं सामने जंबो टेबल है जहाँ पे आप एक बार में आराम से 10 से 15 लोग आके बैठ सकते हो और बहुत ही शानदार यहाँ का एम्बियंस है, खूबसूरत है। तो आप बिल्कुल एक बार ट्राई कर सकते हो। दो की अलग टेबल है, ज़्यादा लोगों के लिए अलग से बनाया हुआ है और ऊपर देख सकते हैं डेकोरेशन कितना ही सुंदर है। अब आते हैं खाने की तरफ। तो खाने के लिए हम लोग बैठते हैं अपनी सीट पर। बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये है यहाँ से जहाँ से हम लोग अंदर आए थे। तो आ गया हमारा खाना। सबसे पहले आई है खूब सारी चटनी और सलाद, ये सारा अनलिमिटेड है, आप चाहो तो जितना चाहो उतना खा सकते हो। पर इतनी वैरायटी थी और इतना फास्ट सर्विस था कि हम लोग बस आते जा रहा था और खाते जा रहे थे। चटनी के बाद आया छाछ, ये कुछ ऐसा था, और उसके बाद आई खूब सारी सब्जी। यहाँ पे आपको मिलेगी 4 वैरायटी की सब्जी, कुछ ऐसा था। यहाँ पे एक परवल था, दूसरा पनीर था, तीसरा जो है आलू था और चौथी सब्जी थी मिक्स वेज की। चारों ही बहुत ही अच्छी थी। पहली बार मेरे को परवल इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद आया यहाँ पे कढ़ी, कढ़ी कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर आए खूब सारे फुलके जिसमें मेरे पास 3 वैरायटी थी और इसमें डला था खूब सारा देसी घी। उसके बाद आया हलवा, ये कुछ ऐसा था, बहुत ही यम्मी था, आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। आज का मेन्यू में मीठा में हलवा था। और उसके बाद 2 स्नैक्स भी आए, ये कुछ स्टफ्ड जो आलू समोसे है ना वैसा कुछ था और एक ढोकला का वैरायटी था, दोनों ही बहुत ही यम था, मैंने 2-3 बार ले लिया। दोस्तों उसके बाद आया दाल बाटी जिसमें खूब सारा घी डला हुआ था, साथ में आई मसाला पूड़ी, पापड़, मीठे में एक और चीज़ मिला जो कि खीर था और साथ में आई दाल। तो ये फुल हमारी प्लेट थी, बहुत ही अमेजिंग थी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, जिस स्पीड में खाना देते हैं और जिस क्वालिटी का खाना देते हैं मेरे हिसाब से तो फुली रिकमेंडेड प्लेस है। आपको जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो यहाँ मिलती है, जो अनलिमिटेड है, वो लिटरली एक बार जाने लायक है। यहाँ पे आपको चावल और खिचड़ी दोनों का ऑप्शन देते हैं। तो How was the review? Food was good, very good. वेज खाना सादा, कोई जलेब नहीं, बहुत बेहतरीन, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि एक एक आइटम अच्छा था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को नकार सकते हैं, सब कुछ अच्छा था। और पहली बार सारा आइटम खाया हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकर खाया हूँ। और सबसे बेस्ट एडिशन है वो एंड में पान। सो आपके हिसाब से रेटिंग अगर आउट ऑफ 5 बोले तो कम से कम 4 या 4.5 तो आराम से दे सकते हैं, 4 तो दे ही सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इंदौर के हिसाब से तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मतलब अब दिल्ली, बॉम्बे, पुणे वहाँ से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बट हाँ इंदौर के हिसाब से बहुत अच्छा है। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।